हाँ ना, देखता क्या है? ए किधर छोटलू, गो ईट योर फूड, गो गो गो। अरे जाओ खाना खाओ, हमको जाना चाहिए, शायद से उनको प्राइवेसी चाहिए। खालो एल का डायग्राम बना दे। खालो खालो खालो। खाए नहीं वो, उन्होंने वापस आ गया हमारे पीछे पीछे। अंडा खाते नहीं है, वेस्ट करते हो। दूसरे वाले थे ना, मोटू नहीं था। सबको चिकन चाहिए। सबको चिकन चाहिए, तुमको क्या चाहिए? मैगी खाएगा रात को? ओके छोड़ के, ये बनाएगी अभी मैगी, फिर हम लोग थोड़ा सा मूवी ढूंढेंगे, अगर मिला तो देखेंगे, नहीं मिला तो नारुतो देख के सो जाएंगे। कल संडे है, मतलब अभी 12 बज के गए तो आज संडे है। वैसे तो जिम नहीं जाता, बट मैं सोच रहा हूँ कि जिम जाके आ जाओ। सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को बता, तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, तुम लोग अच्छे ही रहते हो। तुम लोग मेरा व्लॉग देखने वाले, तुम लोग अच्छे ही रहते हो। मेरे व्लॉग देखने वाले अच्छे ही रहते हैं, कोई डाउट ही नहीं है भाई लोग। मैगी का कंपनी बोलते हैं वैसे गूगल पे कि कहीं और है, बट टू बी ऑनेस्ट एकदम सीक्रेट यहाँ से आता है मैगी। हमारे घर से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समझा क्या? जैसे नार्कोस के पास बहुत पैसा था इल्लीगल, वैसा अपने पास इल्लीगल मैगी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सच है कि नहीं? सच है कि झूठ है? देखो अगर सच होता तो ये 6 के पैक में 12 मसाला डालती ना कम से कम। अरे वो तो तुम्हारा प्रेफरेंस है ना। नहीं मेरा प्रेफरेंस ज्यादा मसाले का। ज्यादा मसाले का? अगर मेरे को इल्लीगल मिलता तो मैं क्यों धांधलेबाज है भाई? क्यों है धांधलेबाज? ये मेरा रात का मंचीज है, मैंने बचा के रखा था अपना कार्ब्स ताकि मेरे को अगर रात को क्रेविंग हुआ तो मैं खा सकता, तो बस अपने पास में रख रहा हूँ, ऐसा देखूँगा। अगर ऐसा बीच में खाने का मन हुआ तो कुछ और खाऊँ, उससे अच्छा तो यही चबाऊँ ना। ये है म्यूसलिया, बोलना भूल गया। Son nefesini vermeden önce kendisine bakıp yastık. दो बजे यार, ऐसा सोचा था सुबह को जिम जाऊंगा, 9:30 बजे उठा भी था, बट मंदू बाबा इतना ऐसा सोया था, मेरा मन ही नहीं किया उठाने का। बहुत नाइसली सोया था तो मैं भी फड़ा रहा और कुछ नहीं किया। अभी हम लोग को होम सेंटर निकलने हैं क्योंकि इसको जो कल कॉफी का जार चाहिए था तो लेके अपन आ जाते। तो आंटी को मैंने पूछा, आंटी कॉफी पियेंगे क्या? और आंटी ने हाँ बोला, और आंटी को मेरा कॉफी पसंद है तो मैं बनाऊंगा। तो कल के व्लॉग में मेरे को कुछ लोगों ने पूछा कि मतलब कॉफी का रेसिपी बता दो। ऐसा रेसिपी वेसिपी नहीं है, ये कॉफी अच्छा है। तुम लोग को एज अ कॉफी लवर पता होना चाहिए कि तुमको कॉफी कितना स्ट्रांग चाहिए, तो राइट अमाउंट मेरे को पता है। मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से कॉफी बनाता हूँ। अगर तुमको पसंद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आ गया तो इसमें क्या करने का, ऐसा एक चम्मच कॉफी लेने का, थोड़ा सा गर्म पानी डालो बस, और उसको ऐसे घुमा के ब्लेंड कर दो अच्छे से। अभी मैं ब्लैक कॉफी प्रिफर करता हूँ तो मैं पूरा डालूंगा। फिर इसमें अगर तुम लोग शुगर फ्री यूज करते हो या शक्कर यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, उसके हिसाब से तुम लोग डाल सकते हो। खत्म, फिनिश। दुनिया की इजीएस्ट चीज है, मैं ही करता हूँ। इसके बाद इसमें ऐसे दूध डाल दो। यहाँ पर रख देता हूँ। हाय लोग, आज रोज डे है और मैं भूल गया, और लड़की कब से मेरे को पूछ रही है कि रोज़ कहाँ पर है, रोज़ कहाँ पर है। तो अभी मैं रोज़ लेने तो जा नहीं सकता, मेरे को पता नहीं इधर रोज़ का दुकान कहाँ पर है। तो मैंने एक अल्टरनेटिव चीज़ किया है, आंटी सोई रहेगी शायद।
क्या है? दोनों आ गया क्या? ये कहाँ से आया? हाँ ये आंटी के लिए। अरे ये क्या है? अरे इतना सा आता है, मेरे को लगा बड़ा वाला आएगा। लेमन टार्ट आंटी को खाना था ना। अबे यार आंटी को बहुत टाइम से लेमन टार्ट खाना था ना, तो रोज डे के लिए मंगाया मैंने। ये क्या है? दे दो आंटी, हैप्पी रोज डे। आपको लेमन टार्ट खाना था ना बहुत टाइम से, तो मेरे को पता नहीं था ये इतना सा आएगा, मुझे लगा बड़ा होगा इसके लिए। तुमको इसमें भी, अंकल के लिए भी है। हाँ हाँ स्टॉप चालू। थैंक यू। लाइट में की शीशो, लाइट में की शीशो। मैं सोच रहा था रोज डे के लिए क्या करूं। मम्मी के लिए भी भेजा था मैंने। एक मिनट, मम्मी का कॉल ही आ रहा है। एक अंकल के लिए, एक तुम्हारा है। ये वाला तुम्हारे लिए, ये वाला अंकल के लिए। क्या? ये वाला दियो अंकल को, देने दियो। दियो 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 दियो। मतलब मैंने तुम्हारे लिए, तो तुमको कैसे पता ये क्या है? आंटी ये अंकल के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। मेरे को पता नहीं था यार लेमन टार्ट इतना सा आएगा। मेरे को लगा फोटोज में बड़ा दिख रहा है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? फोटोज में बड़ा दिख, हाँ फोटोज में बड़ा दिखता है तो बड़ा ले मेरे को लगा। अरे मैंने ना पहले चॉकलेट टार्ट देखा, क्या वो बहुत क्यूट लगा क्या? हैप्पी रोज डे माई लव। सच में लवली थे क्या? खाओ खाओ खाओ। लव खा लिया क्या? वह खा लिया क्या? लो लेते। वह से वैलेंटाइन खा लिया क्या तुमने? मेरे को क्यों लो दे रहे? क्या मतलब है तुम्हारा लो? कितना चाव से खा रहा है। प्यारो मजा आया। चले अभी होम सेंटर ना, चाहिए होगा तो फोटो वगैरह भेज देंगे। बाय। नॉइस ड्रिप जी। Nice. Looks cool. Thanks. है ना ये क्या? हाँ. है ना यही चाहिए ना? हाँ. हाँ, मतलब तुमको तुमको पता है सेट ऑफ टू है 299 में। तुमको चाहिए हम साइड वाला एक बार देख के? कौन सा साइड वाला? हाँ देख सकते हैं। हंस दूंगा इसे बस। चलो भाई फाइनली हम लोग ने ले लिया हम लोग को जो लेने का था, मतलब इसको जो लेने का था, और हम लोग का रिकॉर्ड रहा है, मतलब लेजिट रिकॉर्ड रहा है। जब भी मॉल काम के लिए जाएंगे तभी, वीकेंड्स पे ही जाएंगे जब एक्सट्रीम गर्दी होता है, जैसे तुम मेरे साथ होता है तो लेट होता है वैसा। आवर फेट इज कनेक्टेड गाइस। भाई लो अभी बाहर जाके आ गया हूँ मैं, और अपन अभी फिलहाल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं। वो है कि अपन जैसे अभी बाहर इतना ट्रैवल करते तो मास्क पहन के अपन घूमते रहते, तो मास्क बहुत लोगों को है ना, मास्क के वजह से एक्ने होता है ना, या तो मेरे बाल बढ़ गए फॉर एग्जांपल, तो हमेशा ऐसे नीचे रहते तो उसके वजह से भी एक्ने होता है। तो उसका सलूशन है मेरे पास फिलहाल, है ना, मेरे पास एक प्रोडक्ट आया हुआ है डर्माको की तरफ से, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सो ये वो प्रोडक्ट है द डर्माकोस 2% सैल्सिलिक एसिड सीरम। इसमें 2% सैल्सिलिक एसिड है। सैल्सिलिक एसिड इज एन इफेक्टिव इंग्रेडिएंट व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स सच एज रास्पबेरीज। इसके एक बोतल में इतना सैल्सिलिक एसिड है व्हिच इज इक्वल टू सैल्सिलिक एसिड फाउंड इन 600 रास्पबेरीज। सैल्सिलिक एसिड जो है वो अगर तुम लोग को एक्टिव एक्ने है तो वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और अगर तुम लोग को एक्ने मार्क्स है तो वो तुम लोग को ट्रीट करने में हेल्प करता है।
जो ओपन पोर्स और तुम्हारे अगर स्किन में डर्ट, बैक्टीरिया, ऑयल, डेड स्किन सेल्स कुछ भी होगा तो वो निकालने में मदद करता है। डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट है वो सब साइंटिफिक इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए बनाया हुआ है, जो सेफ है और इफेक्टिव है यूज करने। डर्माको एकदम ऑनेस्टली रिवील कर देता है जो भी अपना परसेंटेज वो लोग ने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज किया अपने पैकेजिंग पे ही। तुम लोग ये प्रोडक्ट कभी भी यूज कर सकते हो, मतलब जैसे अगर तुम लोग को अभी बाहर जाने का है या तुम लोग बाहर से घूम के आए हो तो तुम लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि सैल्सिलिक एसिड है क्या। ये एक हाइड्रोक्सी एसिड है जो तुम्हारे एनलार्ज्ड पोर्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स या ब्लैकहेड को टारगेट करता है। तुम्हारे पोर्स में अगर क्लॉगिंग रहेगा तो वो प्रिवेंट करता है, जिससे तुम्हारे न्यू सेल ग्रोथ को हेल्प मिलेगा ग्रो करने में, है ना, जिससे तुम्हारा स्किन हेल्दी रहेगा और क्लीन रहेगा। इसमें विच हेजल और विलो बार्क भी है, जो तुम्हारे फेस पे अगर ऑयल रहेगा, अगर तुम्हारा स्किन ऑयली है तो वो ऑयल भी निकाल देगा और तुम्हारे जो पोर्स है उसको टाइट कर देगा। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन, नाइका और फ्लिपकार्ट पे, तुम लोग जाके देख सकते हो, वहां पर चेक कर सकते हो। और तुम लोग अगर thedermacode.com से अगर शॉप करते हो यही प्रोडक्ट तो तुम लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो, वो कोड अभी यहाँ पर आ जाएगा। ये कोड यूज करोगे तो तुम लोग को 20% ऑफ मिलेगा, है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छी चीज है। मेक श्योर करो कि तुम लोग जब भी ये सीरम या कोई भी फेस प्रोडक्ट लगाते हो तो तुम लोग घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगा के निकलो, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तुम लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना फेस का ध्यान रखना, है कि नहीं? तुम्हारा भाई तुम लोग को अच्छी अच्छी चीजें बता रहे, अच्छी अच्छी चीजें देखो और अपने ऊपर अप्लाई करो, है कि नहीं? चलो Now I will give you a presentation. A lot of people have been asking about the movie which we were watching yesterday or in the last vlog. तो वो ये है, हमने ये देखा है दाबे द पोजेशन, और आज के ब्लॉग में हम लोग ने इससे चालू किया है, ये वाला देखना अभी बाकी है। बट मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को समझता नहीं हम लोग क्या बात करते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग तो ऐसे ही एनिमे देख देख के दाबे जैसे बात करते हैं साउंड्स में। बट मैंने लास्ट के ब्लॉग में चिल्ला चिल्ला के हम लोग दोनों यही बोल रहे थे दाबे, या तो फिर लोग म्यूट पे देखते रहेंगे, क्या पता हिलते हुए देखते रहेंगे, हम लोग खाली बात करते हैं। देखना बाकी है, बहुत सारे लोग और हॉरर सजेशंस दे रहे बट अभी और दम नहीं है, अभी दिमाग वैसा ही चलने लगा, हर चीज से डर लग रहा है। हम लोग को भी देख के डर लग रहा है, मेरे को स्विच बंद करने से भी डर लग रहा है मेरे को। बाकी एक और गुड न्यूज़ देने का है तुम लोग को, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हम लोग को भी खुद को एकदम एक्साइटमेंट था कि हमारा म्यूज़िक वीडियो कब आ रहा है। तो जो लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग को पता है डेट्स, और जो लोग नहीं करते, जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते या किसी तो भी रीज़न से हम लोग को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, वो लोग के लिए हम लोग डेट्स बता देते हैं। डेट्स है 10th February को हम लोग का ये रिलीज़ हो रहा है। आज शाम को हमारा ट्रेलर आ रहा है, है कि नहीं? तो तुम लोग शेयर करना, बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना, हम लोग एकदम ज्यादा हम एक्साइटेड और थोड़े से नर्वस भी है और ऐसा मजा भी आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करने का, तुम लोगों को मारने का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कर डालने का दुआ, क्योंकि और ऑप्शन क्या है तुम्हारे, है कि नहीं? लाइक तुम करते नहीं, शेयर तुम करते नहीं, सब्सक्राइब पता नहीं करके रखा है शायद या नहीं करते, एटीट्यूड होगा, बाकी दुआ है, दुआ करने का ऑप्शन। दुआ करने से ना तुम्हारे घमंड पे लगने वाला है ना मेरे घमंड पे लगने वाला है, कि नहीं? दुआ हर किसी के लिए करने का, तुम्हारे दुश्मन के लिए भी करने का, ऐसा मेरा मानना है, बाकी तुम्हारा चॉइस है, ठीक है? आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, ऑलराइट, टेक केयर, पीस, बाय। मेरा हाथ यूज किया ना बाय करने को, ऐसे करते। ए रोज डे, ये पूरा 7 दिन कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ये बस हो गया अभी। आज रोज सिर्फ टेडी बेयर डे बस, और बाकी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरे को ले लो टेडी बेयर, मैं बाल काटता ही नहीं हूँ पूरा, उस दिन पूरा टेडी बेयर बन के आ जाऊंगा।